अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर केज के अंदर, और ये क्रोकोडाइल देख सकते हैं आप। रोमियो जूलियस, जूलियट, व्हाट इज द नेम, जूलियट, इसका नाम जूलियट है और ये फीमेल है। क्रोकोडाइल फ्रेंडली, सो मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डेंजरस भी हो सकता है। तो आप इसकी स्किन देख सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम मैं टच कर पा रहा हूँ कोकोडाइल को, किसी कोकोडाइल को। हियरिंग इट हियर, तो मैं इसको ले लो। तो मैं फर्स्ट टाइम अभी आ चुका हूँ इस कोकोडाइल के पास में, तो ये बहुत ही फ्रेंडली है कोकोडाइल। इवन इसको हम टच कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और इसकी स्किन की बात करूँ तो थोड़ा सा हार्ड स्किन है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा है। सकुलेस्ट। और इसकी अगर नाखून की बात करूँ मैं, तो इसका नाखून बहुत ही बड़े बड़े और हार्ड हैं। और इसके अलावा इसके दांत के पास मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि इट कैन बी वेरी डेंजरस। सो ये करीब 2-2.5 मीटर के आसपास का है लेंथ इसकी, और इसकी स्किन बहुत ही, एक पेड़ की छाल जो होती है ना, ट्री, उस छाल की तरह है इसका, जो देखिए ब्लैक है ऊपर की तरफ, और ये पीला जो डिजाइन तरह, कुछ डिजाइन की तरह दिख रहा है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस, बट आई एम ट्राइंग टू टच। ओ, इट्स ओपन द आइस। तो ये ब्लू मंकी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये अफ्रीका की एक नई प्रजाति जो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। इसको चूहा खिलाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो देखने आए हैं सब जानवरों को, एनिमल्स को जू में। तो जो चूहा दिया गया था वो भाग चुका है अभी इसके पंजे से, तो अभी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दे आर प्लेइंग। ओह माय गॉड। इंग इंग। तो मेरे पास एक बनाना बचा हुआ है, तो मैं ये फ्लोरा को देना चाह रहा हूँ। ये चिंपैंजी, इसका नाम फ्लोरा है, और इसने कैच कर लिया। और ये एक सांप है, मिलिट्री क्लोथ इसका नाम है, इट्स कॉल्ड मिलिट्री क्लोथ। चूँकि इसके आप बॉडी पे देख सकते हैं कि मिलिट्री की तरह वर्दी का जो होता है कलर वो सेम है, तो इसको मिलिट्री क्लोथ यहाँ पे बोलते हैं। इट्स अ डेंजरस, इट्स अ वेरी डेंजरस। और इसको काटने के बाद 20 मिनट्स के आदमी तक ही जिंदा रहता है, 20 मिनट्स तक ही। It's very dangerous. If it's bite, after 20 minutes you have to die. You are going to die. इसको अभी अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो देखने के लिए आए हैं।
can, I don't know, maybe can be afraid. If you see some people, run away. Ah, so very good. आप देख सकते हैं अगर show him the hands, give the hands. Banana is there? Yeah. Okay, we are going to buy. Can I bring others? Bring, please. Bring some bananas too. Okay. I will give you. ये बहुत ही अच्छी है हिरण है अफ्रीकन हिरण देख सकते हैं एंटीलॉग यहाँ पे इसका नाम एंटीलॉग है और ये जो हिरण है यहाँ पे छुपी हुई है मैं जाता हूँ इसको और देखता हूँ बुलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा हाथ चूंकि खाली है तो वो देख रही है अभी बनाना आ गया ओके I can push and they come in this side. Okay. So, अभी डर रही है कभी इसको बनाना किसी ने खिलाया नहीं होगा Oh my God, she has gone. तो ये हमने केला दे दिया इसको खिला दिया क्योंकि यहाँ से नहीं खिला पा रहे क्योंकि ये बहुत डर रही है इसके पास नहीं जा सकते अगर हम पास जाने की कोशिश करते तो और दूर भागती है तो ये है अफ्रीकन हिरन तो तैयारी तो फ्लोरा को हमने बनाना खिला दिया है तो अमाता नाउ इज ए ग्रोइंग मैं उसको अपने हाथ से खिला रहा हूँ ओनली सिर्फ छिलका छोड़ दिया उसने दिस इज बेबी चिंप 4 इयर्स ओल्ड Or the Julius. Okay. Yeah. They were born in 1960, and now is 60 years old, and is 3.5 meters. 16 or 60? 60. 60. 60. Yeah, 60. Oh my God. Years That's old. Too old. Because of the crocodile, the Nile crocodile, they can live more 120, and they can get 7 meters when adult. But this is still young. Is 3.5 meters. Is 60 years old. Okay, and we feed 20 kilograms of meat for a week because the crocodile didn't eat every day. Yes, we feed yes. it once time for a week, but enough can't eat. Oh. और इसके अलावा इसको पर वीक 20 किलो मीट दिया जाता है पर वीक एवरी डे नहीं दिया जाता क्योंकि क्रोकोडाइल को एवरी डे नहीं ज़रूरत होती खाने की तो पर वीक 20 किलो ये मीट खाती है और इसका नाम जूलियस है मीट इनसाइड द माउथ कैन रनिंग ये देखिए